विजय हजारे एक महान बल्लेबाज और भारत के पूर्व कप्तान थे जो कठिन परिस्थितियों को संभालने के लिए जाने जाते थे। साल 1947-48 के ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। हजारे ने कुल मिलाकर 30 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 14 में उन्होंने कप्तानी की और विजय मर्चेंट के साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट का आकार देने में मदद की। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण करने के लिए 31 वर्ष की आयु तक इंतजार करना पड़ा। हजारे ने अपने टेस्ट करियर में 7 शतक और 9 अर्धशतकों के साथ 2,192 रन बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 164 रन है। विजय हजारे के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। दाएं हाथ के बल्लेबाज और मध्यम तेज गेंदबाज विजय हजारे का जन्म 11 मार्च 1915 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। हालांकि जब हजारे क्रिकेट में गति प्राप्त कर रहे थे, तब दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर रोक लग गया था। इस झटके के बावजूद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपने खेल से दर्शकों को मोहित करना जारी रखा, और इस अवधि के दौरान भारत में क्रिकेट को जीवित रखने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। बॉम्बे के ब्रेबोर्न स्टेडियम में उनका प्रदर्शन, जहां उन्हें बल्लेबाजी देखने के लिए 20-30 हजार दर्शक इकट्ठा होते थे, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। साल 1944 के सीजन के दौरान हजारे ने प्रतिभाशाली 1423 रन बनाए, जिसमें केवल 4 मैचों में ही 248, 59, 309, 101, 230 और 87 रनों की पारी शामिल थी, जिसने उन्हें अकेले 4 मैचों में 1000 रन तक पहुंचने की अनुमति दी। हिंदू टीम के खिलाफ हजारे ने 309 रन की पारी विशेष रूप से यादगार थी, क्योंकि उनकी टीम तिहरे शतक के बावजूद 387 रन पर आउट हो गई थी। वह अक्सर बल्लेबाजी में विजय मर्चेंट के साथ ही प्रतिस्पर्धा करते थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बड़े स्कोर बनाने का प्रयास करते थे। हजारे ने 33 वर्षों तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने 58.38 के प्रतिभाशाली औसत के साथ 238 मैचों में कुल 18,740 रन बनाए, जिसमें 60 शतक और 73 अर्धशतक शामिल है। उन्होंने 595 विकेट भी लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक पारी में 90 रन देकर 8 विकेट रहा है। हजारे ने अपना आखिरी प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच 1967 को 51 साल की उम्र में खेला था, और उन्हें सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्रथम श्रेणी औसत वाला 4th भारतीय क्रिकेटर माना जाता है। विशेष रूप से वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज भी थे। हालांकि दिलीप सिंह जी ने भी एक ही उपलब्धि हासिल की, उन्हें एक अंग्रेजी क्रिकेटर माना जाता है। हजारे मुख्य रूप से अपने बल्लेबाजी के कौशल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी भी उल्लेखनीय थी। जब भी टीम को जरूरत होती है, वह गेंदबाजी का जिम्मा उठा लेते। साल 1948 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान हजारे ने डॉन ब्रैडमैन को 2 बार आउट किया, जिसमें सिडनी में एक मैच में शामिल था, जहां उन्होंने उन्हें केवल 13 रन पर आउट कर दिया था। इससे भारत को पहली बार सीरीज में बढ़त लेने में मदद मिली। हजारे ने एडिलेड में एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने की उल्लेखनीय उपस्थिति भी हासिल की है। हालांकि बाकी भारतीय टीम ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और वे पारी और 16 रन से मैच हार गए। साल 1952 में हजारे ने इंग्लैंड में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने लीड्स टेस्ट की दूसरी पारी में फ्रेड ट्यूमैन का सामना किया। टीम ने बिना रन बनाए 4 विकेट गंवा दिए, लेकिन हजारे और दत्तू फडकर ने अर्धशतक लगाकर टीम को 100 रन से पहुंचाया। दुर्भाग्य से भारत अभी भी एक पारी से मैच हार गया। हजारे ने 1951 के बीच वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में लगातार 3 शतक बनाए, लेकिन भारत का क्रिकेट कार्यक्रम आज की तरह नियमित नहीं था, इसलिए ये शतक 3 वर्षों में फेल हुए थे। हजारे ने जो 30 टेस्ट खेले, उनमें से भारत ने केवल 3 मैच जीते और हजारे को स्वाभाविक कप्तान नहीं माना गया। ऐसा माना जाता है कि कप्तान होने की अतिरिक्त जिम्मेवारी के कारण उनकी बल्लेबाजी प्रभावित हुई। हजारे के साथी विजय मर्चेंट ने एक बार कहा था कि हजारे में भारत का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनने की क्षमता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह उस क्षमता को पूरी नहीं कर सके। हजारे का साल 2004 में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और BCCI अब उनके सम्मान में एक लिस्ट ए टूर्नामेंट आयोजित करता है, जिसे विजय हजारे ट्रॉफी कहा जाता है।